व्यक्ति कड़ी मेहनत तथा लगन से हर असंभव कार्य को संभव बनाकर अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेता है, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है जिला मंडी के उपमंडल पधर डला पंचायत के एक छोटे से गांव चमा के रहने वाले रमेश चंद ने, जो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है तथा खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करके गुजारा करता था। रमेश चंद ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में सितंबर 2019 में मधुमक्खी पालन का 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके पश्चात रमेश चंद ने बागवानी विभाग पधर में मुख्यमंत्री मधु विकास योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन किया। रमेश चंद को उद्यान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 50 बक्से की एक यूनिट तक आर्थिक सहायता दी, जिस पर विभाग द्वारा प्रति बक्सा 1600 रुपए या 80% अनुदान राशि तथा मधुमक्खियों वाले फ्रेम पर भी 80% अनुदान राशि दी गई। मधुमक्खियों को पालने के लिए 1,60,000 रुपए की राशि आर्थिक अनुदान विभाग द्वारा दी गई तथा मधुमक्खियों के औजार जैसे सिर और मुंह को ढकने वाली जाली ब्रश, शहद ट्रे, हाथों पर पहनने के लिए दस्ताने, बी बेल, क्वीन ट्रैप इत्यादि पर 16,000 रुपए अनुदान राशि दी गई, जिस पर उसे विभाग द्वारा 80% अनुदान भी दिया गया। रमेश चंद ने जिला कांगड़ा से मधुमक्खी पालक सतीश कुमार से 50 बक्से मधुमक्खियों के खरीदे, जिस पर उसने लगभग 2,22,000 रुपए व्यय किए। रमेश चंद ने बताया कि अब मेरे पास लगभग 300 बक्से तैयार हैं, जिनमें से 70 बक्सों में मधुमक्खी पालने का काम शुरू कर दिया है। रमेश चंद ने कहा कि मधुमक्खी का शहद 1 वर्ष में 2 बार ले सकते हैं, जिसमें मुझे एक बार में ही लगभग 2 क्विंटल शहद निकल आता है। एपी सिनिडा मक्खी, जिसे हम लोकल मधुमक्खी कहते हैं, उसका शहद 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तथा एबिस मधुमक्खी, इटालियन मधुमक्खी का शहद 450 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, जिससे 1 साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। रमेश चंद ने कहा कि मधुमक्खी मधु विकास योजना का लाभ लेने से मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से भी आग्रह किया है कि वे भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रमेश चंद ग्राम पंचायत डला पद्धर गांव चुमा का स्थायी निवासी हूँ। मैंने 50 बक्से मधुमक्खी के कांगड़ा से खरीदे थे और उसके पश्चात आज मेरे पास 70 के करीब बक्से हैं। मैंने बी कीपिंग की ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग उद्यान विभाग सुंदरनगर से की। इसके पश्चात मैंने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के लिए आवेदन किया, जिसके अंतर्गत मुझे लाभ मिला। इस समय मेरे पास 70 के करीब बक्से हैं, मधुमक्खियों के बक्से हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभारी हूँ, क्योंकि इस योजना के द्वारा हम जैसे बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है। उद्यान विभाग अधिकारी डॉक्टर किरण ठाकुर पदर का कहना है कि मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का उद्देश्य किसानों को राज्य में मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना किसानों के मोन पालन और शहद उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालक को 50 बक्से की एक यूनिट तक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे विभाग द्वारा प्रति बक्सा 1600 रुपए या 80% अनुदान राशि तथा मधुमक्खियों वाले फ्रेम पर भी 80% अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त मधुपालन में उपयोग में आने वाले औजार यंत्र जैसे बी वेल, क्वीन ट्रैप, शहद एक्सट्रैक्टर इत्यादि पर 80% या 16,000 तक की अनुदान राशि दी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण ठाकुर, उद्यान विकास अधिकारी विकास खंड दरंग, आपको मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, ये उद्यान विभाग हिमाचल के द्वारा किसान बागवान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन कर सके, उसके लिए चलाई गई है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कीट है, और इस मधुमक्खी पालन करके किसान भाई एनवायरमेंट का तो भला करते ही करते हैं, साथ में अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह योजना उन भाइयों के लिए काफ़ी लाभदारी है जिनके पास अपनी ज़मीन कम है और ज़्यादा पौधे नहीं लगा सकते, वो मधुमक्खी पालन करके भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम
किसान बागवान भाइयों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारे यहाँ मंडी जिले में ये ट्रेनिंग बीकेडीओ सुंदरनगर में करवाई जाती है या फिर पालमपुर सीएसकेवी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में करवाई जाती है। हिमाचल में जगह जगह इस ट्रेनिंग का आयोजन होता है और जो हमारी औद्योगिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है वहाँ पर भी इस ट्रेनिंग का आयोजन होता है। जो ये योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, इसके तहत ट्रेनिंग के बाद किसान बागवान भाई 50 बक्सों से मिनिमम 50 बक्सों से अपना एक मधुमक्खी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बक्सों के ऊपर खाली बक्सों के ऊपर मैक्सिमम 80% तक का अनुदान देती है जो आपकी लागत राशि होती है, मैक्सिमम या तो 80% या मैक्सिमम 80,000 रुपये, और जो मधुमक्खी की फ्रेम्स होती है उन पे भी 80% का 80% का अनुदान डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा जो मधुमक्खी पालन में यूज होने वाले यंत्र होते हैं उनके ऊपर भी 80% के हिसाब से 16,000 रुपये तक का अनुदान जो है उद्यान विभाग देता है किसान भाइयों को। इसके अतिरिक्त जब मधुमक्खी फ्लोरा जो बी फ्लोरा होता है वो खत्म हो जाता है तो मधुमक्खियों को जनरली जो मधुमक्खी पालक है वो राज्य से बाहर ले जाता है गर्म क्षेत्रों की तरफ जैसे नीचे हमारे अंबाला वगैरह, ताकि वहाँ मधुमक्खियों को अपना जो बी फ्लोरा है वो मिल सके। तो साल में एक बार इस माइग्रेशन पर भी गवर्नमेंट मैक्सिमम 5,000 रुपये तक 50% के हिसाब से किसान भाइयों को अनुदान देती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं काफ़ी लाभकारी स्कीम है और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा अनुदान हमारा उद्यान विभाग देता है।